हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम अरहम जूनियर कॉलेज। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड द क्राइटिसम ऑफ एरिस्टोटेलिस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। फर्स्ट वन वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, देन डिस्टिंक्शन बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगार्ची, मिसलीडिंग टर्म डेमोक्रेसी डिफरेंटली यूज, नो प्लेस फॉर फिक मिक्सड गवर्नमेंट, इन एग्जॉस्टिव क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अनसाइंटिफिक, states are classified differently. Moving forward, then we saw the ideal state of aristocracy. In that, will be अपन ने सिर्फ basic देखा, अभी अपन will move towards the next way. अपना topic continue होने वाला है अभी. The ideal state of aristocracy is the small city state consisting of small and ultimate group of citizen whose social life overlaps the interest of family, of religion and of friendly persons intercourse. See, ये जो आइडल स्टेट ऑफ एरिस्टोक्रेसी क्या है, इट्स अ स्मॉल सिटी स्टेट. उन्होंने क्या कंसिडर किया, सिर्फ एक स्मॉल सिटी स्टेट कंसिडर किया, उसी में ग्रुप ऑफ सिटीजन का देखा, उनकी सोशल लाइफ देखी, उनका इंटरेस्ट ऑफ फैमिली ऑफ रिलीजन देखा एंड फ्रेंडली पर्सनल इंटरकोर्स. In his ideal state, the law occupied a predominant posturon. In his ideal state, law को क्या मिला? Law को एक secondary stage मिला. Like इतना importance नहीं मिला जितना actually law को रहना चाहिए. He does not favor the personal and deposit rule of even the most virtuous person and favors impersonal rule of law, which according to him represent the wisdom of the community once the ages. See, he does not favor the personal and despotic rule of even the most virtuous person. अभी मालूम है ये person बहुत ज़्यादा होशियार है, but वो उसका rule favor नहीं करते हैं. क्यों? And favors impersonal rule of law. और फेवर किसको कर रहे हैं, जो लॉ को ध्यान नहीं देगा ये करेगा उसको. तो इसके वजह से क्या होता है, जो सही है, जिसका ज़रूरत है कम्युनिटी को, वही अच्छे से काम कर पाएगा. अकॉर्डिंग टू सेबिनी, एरिस्टोटेली एक्सेप्ट द सोवेनिटी ऑफ लॉ इन हिज आइडियल स्टेट नॉट एज अ कंसेशन ऑफ ह्यूमन फ्रेलिटी बट एज एन इंस्टिंक्ट पार्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट एंड देयरफॉर एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल स्टेट. सी, अकॉर्डिंग टू सेबिनी क्या है, एरिस्टोटल एक्सेप्ट द सोवेनिटी ऑफ द लॉ. जो एक्चुअल बेसिक लॉ है वो यूज करते हैं इन आइडल स्टेट में, और जिससे क्या होगा, ह्यूमन की भलाई होगी. बट जब वो लॉ स्टेट के हिसाब से बना रहे हैं तो ही इज नॉट लुकिंग फॉर द ह्यूमन बीन, लाइक ह्यूमन बीन के लिए अच्छा है या नहीं, ना ही उनकी राइट पूछी जा रही है. बट as an instinct part of good government and informing, therefore as a characteristic of an ideal state. See, लोगों की राय नहीं पूछी जा रही है, but he make sure कि it should be a good part of government, एक अच्छा government बनाना है, इसके लिए हर किसी को वो पूछते नहीं बैठे थे यहाँ पे. The ideal state of Aristotle is an ethical institution which aims to bring about moral improvement amongst the citizen. See, द आइडल स्टेट ऑफ एरिस्टोटेली क्या है, इज एन इथेनिकल इंस्टीट्यूशन विच एम्स टू ब्रिंग अबाउट मॉरल इम्प्रूवमेंट अमॉन्ग द सिटीजन. वो ऐसा बना रहे जिससे सिटीजन में इम्प्रूवमेंट हो, सिटीजन के जीवन में इम्प्रूवमेंट हो. ही होल्ड्स दैट स्टेट अलोंग कैन प्रोवाइड द कंडीशन अंडर विच द इंडिविजुअल कैन अचीव द हाइएस्ट टाइप ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. ही होल्ड्स दैट स्टेट अलोन कैन प्रोवाइड द कंडीशंस. स्टेट अकेला ही है जो ऐसे कंडीशंस बना सकता है जिससे आपको हाइएस्ट टाइप ऑफ, जिससे आपका डेवलपमेंट अच्छे से हो. द आइडियल स्टेट ऑफ एरिस्टोटेली एम्स एट प्रमोटिंग अ गुड एंड हैप्पी लाइफ बाय विच ही मेंट्स अ वर्चुअस एंड अ मॉरल लाइफ. सी, मेन एम क्या है एरिस्टोटेली का, कि हर कोई अपने लाइफ में खुश होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, बाय विच अपना मॉरल लाइफ अपना अच्छे से हो सके. In the ideal state of Aristotle, education plays an important role in making the citizen virtuous. See, ideal state में क्या बोल रहे हैं वो, education plays an important role. हाँ,
जिससे क्या इन मेकिंग द सिटीजन वर्चुअस, मतलब तभी अगर अपन अच्छे से एडुकेट करेंगे तभी हर कोई सिटीजन जो भी है वो ईमानदार रहेगा, वर्चुअस रहेगा। वर्चुअस यानी ईमानदार, लॉयल, अच्छे से सब काम करेगा। ही इंसिस्टेड ऑन कंपल्सरी स्टेट रेगुलेटेड एडुकेशन टू कल्टिवेट गुड हैबिट अमंग सिटीजन एंड टू मेक द मेंबर्स परफेक्ट। सच परफेक्शंस कैन बी अचीव्ड बाय कल्टिवेटिंग मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस बाय द सिटीजन, विच इज़ पॉसिबल ओनली टू अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म कंपल्सरी पब्लिक एडुकेशन। सी, उसने एडुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। क्यों? अगर एडुकेशन रहेगा तो गुड हैबिट्स अमंग सिटीजन रहेगी। अगर बेसिक एडुकेशन भी दिया तो सिटीजन विल हैव अ गुड हैबिट्स एंड दे विल मेक अ मेंबर अ परफेक्शन टू अचीव, ताकि वो जो भी काम करे, अगर आपको बेसिक एडुकेशन मिल गया, बेसिक नॉलेज मिल गया, तो क्या होगा, आप जो भी काम करोगे अच्छे से कर पाओगे। टू योर बेस्ट लेवल यू विल डू। अगर आप सारे काम अच्छे से कर पाओगे तो भला तो सिटी कंट्री का ही होगा, स्टेट का ही होगा। सो उसने एडुकेशन को एक अच्छा इम्पोर्टेंस दिया है, एटलीस्ट बेसिक एडुकेशन। जो अपने इंडिया में भी अपन बोलते हैं ना, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसको बेसिक एडुकेशन मिलना ही चाहिए। 10वीं तक तो एडुकेशन मिलना ही चाहिए। एंड गवर्नमेंट स्कूल में एडुकेशन वैसे भी फ्री है 10th तक, राइट? तो क्या है, अगर उसमें से भी कोई होशियार निकल गया तो मेरिट पे वो आगे पढ़ सकता है। बट आप 10th भी पास रहोगे तो क्या होता है, आप एटलीस्ट अच्छे से रीड कर पाओगे, आपको अच्छा बुरा इन सब का डिफरेंस तो पता चले, राइट? आज आदमी जितना ज़्यादा एडुकेटेड होता है ना, उतना उसके लिए भला है। आज जितना ज़्यादा आप एडुकेट हो जाओगे ना, उतना आपका आगे फ्यूचर ब्राइट है। उतना अगर आप जॉब भी करने जाओगे ना, तो आपको उतनी बड़ी कंपनी मिलेगी, उतना आपका भला होगा। इट मे बी नोटेड दैट एरिस्टोटेलिस स्कीम ऑफ एडुकेशन वॉज मेंट ओनली फॉर द सिटीजन, बट एरिस्टोटेलिस स्कीम ऑफ एडुकेशन वॉज मेंट ओनली फॉर द सिटीजन। जो वहाँ पे रह रहे हैं सिटीजन है, सिर्फ उनके लिए उसने एडुकेशन स्कीम बनाई थी। इन द आइडल स्टेट ऑफ एरिस्टोटेली राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज कंडोडेड बिकॉज ही कंसिडर प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन विच मस्ट बी प्रिजर्व। अभी नेचुरल, अभी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, तो वो आपकी रहेगी और आपकी हेरिडिटी वाइज आगे 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 बढ़ती जाएगी, और जो वो आपका है ना, तो वो नेचुरली आपका ही रहने दो और वो प्रिजर्व करके रखो आप अच्छे से। आप आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी अच्छे से प्रिजर्व करके रखो, आप आपके इससे अच्छे से ध्यान से रखो। ही प्लेडेड फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द सिटीजन इन एडिशन टू लैंड। उसने क्या बोला, लाइक सिटीजन हर किसी को, जिसका जिसके हिस्से की जो लैंड है वो हर किसी को मिलना चाहिए, एंड देयर शुड बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ही परमिट्स ownership of personal property because its value should not exceed 4 times the value of the original land, though he permitted right to private property. See, उसने क्या बोला है, आपको private property रखनी है, करो आप private property करो, अच्छी बात है, आपके personal property, but उसका value 4 times the value of original। जैसे अपन बोलते ना, land के भाव बढ़ रहे हैं, अभी मैंने ये 10 साल पुरानी land 5 लाख में ली थी, राइट? आज ये 10 साल हो गया इस लैंड को, आज उसकी कीमत क्या है, आज उधर हाईवे बनने लग गया है, उधर आजू बाजू एरिया थोड़ा सा डेवलप होने लग गया है, तो आज उसकी वैल्यू क्या हो गई, 15 लाख हो गई। तो कितना है, 3 times बड़ा, राइट? अभी ये जो आपने लैंड 5 लाख में ली थी ना, इसकी वैल्यू 4 times से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, राइट? लाइक कितने भी साल हो जाए, बट अभी 5 लाख की वैल्यू 4 times एक्सेड यानी 20 लाख, उसका वैल्यू 20 लाख नहीं होना चाहिए। बट इट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 4 times द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल लैंड दो ही परमिट्स राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सी, मैंने आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाओ रखो इन सब का हक दिया है, ये सब चीज़ें दी है, बट आपको भी ध्यान रखना चाहिए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी जो भी है, इट शुड नॉट एक्सीड द 4 times ऑफ योर ओरिजिनल वैल्यू। इतना उसका लैंड का दाम बढ़ने नहीं देना चाहिए आपको। ही वॉन्टेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल एंड शुड बी यूज फॉर कॉमन वेलफेयर। अभी जो लैंड है, जो भी है, वो
हर किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अभी मेरे पास पैसा है, मैंने धड़ाधड़ लैंड ले ली, राइट, मैंने ये लैंड थोड़ा सा पैसा कमा लैंड में, अब मेरी लैंड का दाम बढ़ गया है, राइट, डबल ट्रिपल हो गया, तो मैं बेच देती हूँ, उसी से मैं और किधर तो दूसरी लैंड लूँगी, लेके रख दूँगी, कुछ साल वाले उसका दाम बढ़ेगा तो मैं और ये करूँगी। तो एक्चुअली ये गलत होता है ना, लाइक जिसके पास पैसा वो लैंड लेके बैठ जाएगा, जिसके पास नहीं वो नहीं ले पाएगा, इसलिए उसने प्रॉपर्टी पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस डाले ताकि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट, ही वॉन्टेड शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग एंड शुड बी यूज फॉर कॉमन वेलफेयर। इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज मेंट फॉर कॉमन कंजम्पशन। तो कभी कभी प्रॉपर अगर डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो वो भी यार ले लेंगी गवर्नमेंट। द डिविजन ऑफ लेबर इज अनदर एसेंशियल फीचर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक आइडियल स्टेट। सी, डिविजन ऑफ लेबर, लेबर को भी उसने डिवाइड किया है। दस ही असाइन एग्रीकल्चर टू द स्लेव्स, कॉमर्स एंड ट्रेड टू द रेसिडेंट अलाइन, एंड पॉलिटिकल फंक्शन टू द सिटीजन। सी, उसने डिविजन ऑफ लेबर कैसे किया है, जो एग्रीकल्चर किसको दिया है, स्लेव्स लोगों को दिया है, ट्रेड एंड कॉमर्स टू द रेसिडेंट अलाइन, और पॉलिटिकल फंक्शंस को तो सिटीजन्स को दिया है। ही जस्टिफाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी एंड इंसिस्ट दैट ओनली द लेजर्ड क्लास शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज ऑफ द सोवरेनिटी। उसने क्या बोला कि बाबा जो भी अमीर लोग हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे सोवरेनिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, गवर्नमेंट चलाने में, सिर्फ वो लोग ही हेल्प करेंगे। एरिस्टोटेलिस आइडियल स्टेट इज नाइदर टू स्मॉल नॉट टू बिग। सी, एरिस्टोटेलिस आइडियल स्टेट क्या है, इट इज़ नॉट टू स्मॉल नॉट टू बिग। हवेवर एरिस्टोटेली डज नॉट प्रिसाइड एनी मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ सिटीजन टू कॉन्स्टिट्यूट एन आइडियल स्टेट। हवेवर क्या है, एरिस्टोटेली क्या कर रहे हैं, डज नॉट प्रिसाइज एनी मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ सिटीजन, लाइक वो बहुत छोटा स्टेट भी नहीं देख रहे हैं, ना ही बहुत बड़ा देख रहे हैं, और हवेवर इट डज नॉट लुक एट द मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजन जो उस आइडियल स्टेट में है। ही सिंपली इंसिस्ट दैट द पॉपुलेशन शुड बी मैनेजेबल, लाइक आप आइडियल स्टेट इतना ही बनाओ जितना पॉपुलेशन मैनेज कर सकते हो। ही इज सर्टनली अगेंस्ट लार्ज पॉपुलेशन एंड आर्ग्यूज दैट आइडियल कंडीशन कैन नॉट एग्जिस्ट द पॉपुलेशन इन लार्ज। क्या बोलता है, पॉपुलेशन छोटा रहा तो अच्छा है, तो ईजिली सब कुछ मैनेज होगा, बट अगर पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो ये आइडल स्टेट बढ़ना इम्पॉसिबल है। एज फार एज पॉसिबल द सिटीजन मस्ट नो ईच अदर, जितना पॉसिबल हो सके उतना सिटीजन ने एक दूसरे को पहचानना चाहिए, मतलब छोटा ही रखो आपका आइडल स्टेट, डोंट मेक इट अ टू बिग, इफ यू मेक इट अ टू बिग इट वुड बी जस्ट गॉन मेसअप। एज रिगार्ड्स द साइज ऑफ द टेरिटरी ऑफ आइडल स्टेट, एरिस्टोटेली इंसिस्टेड दैट इट शुड बी सच सो फार टू मेक इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू लिव अ फ्री एंड लेजर्ड लाइफ। सी, एज रिगार्डेड द साइज ऑफ द टेरिटरी इन द आइडल स्टेट में क्या है, इट शुड बी लाइक हर किसी को अपनी लाइफ आज़ादी से जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए, इतना स्टेट रहने दे। लाइक आइडल स्टेट में ऐसा होगा कि लाइक एवरी वन वुड लिव इन अ गुड वे, हर किसी के पास थोड़ा फ्री टाइम रहेगा, आराम ऐशो आराम से सब जी पाएंगे। इट मस्ट पोसेस सफिशेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच कैन मीट द नीड ऑफ द पॉपुलेशन। सी, इट मस्ट पोसेस, उनके पास सफिशेंट रिसोर्सेज रहना चाहिए ताकि वो अपना नीड पूरा कर सके और उतना पॉपुलेशन हैप्पीली रिड्यूस करे। इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी लैंड, लेबर, सब उतना अच्छे से रहना चाहिए, कैपिटल, ताकि वो अपनी ज़रूरतें, बेसिक ज़रूरतें भी पूरा कर सके। एरिस्टोटेलिस वांट्स दैट द टेरिटरी ऑफ स्टेट शुड बी स्मॉल सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ग्लांस ऑफ द एंटायर टेरिटरी ऑफ द स्टेट फ्रॉम वन प्लेस। सी, एरिस्टोटेलिस क्या बोलता है, जो स्टेट का टेरिटरी है, जो आपका जितना जितना जो भी आपका स्टेट है वो स्मॉल ही रखो, ताकि आप एक जगह रुक के किधर तो ऐसे रुक के आप पूरा स्टेट देख सको और आप इजीली कंट्रोल कर सको, एक आइडियल स्टेट आराम से बना सको। इट शुड नॉट बी इजीली एक्सेसिबल टू द कंट्रीज, लाइक पूरी कंट्री को नहीं दिखना चाहिए, इतना भी छोटा मत रखो। इट शुड नॉट हैव अबंडेंसी ऑफ वेल्थ
सो हैज़ टू बी द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन पावर. अभी वेल्थ रहना चाहिए राइट. प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बनाओ बट एक लिमिट से बनाओ. आप सुखमय शांतिमय जीवन बिताओ बट इतना ज़्यादा भी वेल्थ न को आपके स्टेट में ताकि दूसरे लोग अट्रैक्ट हो सके, फॉरेन पावर अट्रैक्ट होके आपको नुकसान पहुँचाए. इतना भी वेल्थ नहीं चाहिए अपने पास. द आइडल स्टेट शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एंड शुड नॉट एंटरटेन एनी एग्रेसिव डिजाइन अगेंस्ट अदर फॉरेन कंट्रीज. सी अपना जो आइडल स्टेट क्या है, इट शुड बी सेल्फ सफिशिएंट राइट. और उनके इतना सेल्फ सफिशिएंट रहना चाहिए कि बार किसी फॉरेन कंट्री से कुछ लेने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द फुल डेवलपमेंट ऑफ मैन दैट इज मेंटल मॉरल एंड इकोनॉमिक. आइडल स्टेट में क्या है, इट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द फुल डेवलपमेंट ऑफ मैन. लाइक एक पूरे इंसान पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ताकि वो मेंटली मॉरली इकोनॉमिकली स्टेबल हो सके, उसका सब कुछ अच्छे से चल सके. द आइडियल स्टेट ऑफ एरिस्टोटेली इज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास. जो आइडियल स्टेट एरिस्टोटेली का, इट शुड बी डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास. एरिस्टोटेली बिलीव्ड दैट इट इज़ द मिडिल क्लास अलॉन्ग विच कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू टू स्टेट बिकॉज. अभी मिडिल क्लास को इम्पोर्टेंस क्यों दिया है, क्योंकि मिडिल क्लास क्या रहेगा, वो स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट बना रहेगा, स्टेट में प्रॉपर स्टेबिलिटी रहेगी. इट पोजेस अ ट्विन क्वालिटी ऑफ ओबीडियंस एज वेल एज कमांड. ये जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं ना, दे आर नॉट टू रिच, दे आर नॉट टू पुअर राइट. तो उनके अंदर क्वालिटी रहती है लाइक ओबे भी करने का और कमांड क्वालिटी ऑफ ओबीडियंस एज वेल एज कमांड. लाइक किसी ने कुछ बोला तो वो फॉलो भी कर सकते हैं, और किसी ने कुछ बोला तो वो ओबे भी करते हैं और कमांड भी दे सकते हैं. तो मिडिल क्लास के हाथ में वो बोलते हैं कि लाइक पावर तो आप थोड़ा. इट कैन स्टिक अ बैलेंस बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स ऑफ द रिच एंड द पुअर. ये जो रिच एंड पुअर के बीच में है ना, ये बराबर बैलेंस बना के रखते हैं. As Aristotle has put it, the addition of the large middle class has a great steadying influence and checks the opposite extremes. See, as Aristotle kya hai, put it in the addition of a large middle class. अभी जो middle class क्या है, वो दोनों साइड को अच्छे से चेक करता है, लाइक पुअर को भी अच्छे से चेक करता है, लाइक पुअर का भी देखता है सो देते कम अब, और रिच का भी ध्यान रखता है देखिए बहुत ज़्यादा पैसा कमा के वो किसी को नुकसान ना पहुँचाए. ही होल्ड्स दैट अ गुड गवर्नमेंट इज पॉसिबल ओनली इफ द मिडिल क्लास आउट नंबर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिच एंड द पुअर. सी इट होल्ड्स दैट अ गुड गवर्नमेंट कब बन सकता है, दैट इज ओनली इफ मिडिल क्लास के लोगों थोड़े से स्ट्रेंथन हो जाए ताकि वो रिच एंड पुअर का बैलेंस बना सके. अ कंबाइंड टुगेदर राइट. एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट प्रोफेसर सैबिन स्टेसेस. अभी रिच एंड पुअर के बीच में बैलेंस बनाने के रखने के लिए प्रोफेसर सैबिन व्हाट ही सेज, वेयर सच अ बॉडी ऑफ सिटीजन एग्जिस्ट दे फॉर्म अ गवर्नमेंट लार्ज इनफ टू गिव अ स्टेट अ पॉपुलर फाउंडेशन डिसइंटरेस्टेड इनफ टू होल्ड द magistrates responsible and select enough to avoid the evil of government by the masses. ऐसे क्या बोला है यहाँ पे, उन्होंने क्या बोला है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ सिटी, एक ऐसा सिटीजन बनाओ, ऐसा बॉडी ऑफ सिटीजन बनाओ जो लार्ज ग्रुप को अच्छे से देख सके राइट. और जिनको इंटरेस्ट नहीं है उन्हें कुछ मत ये करो, बट जो इंटरेस्ट है उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ताकि बुरा गवर्नमेंट नहीं बने और हर किसी को उसका फायदा हो. द आइडल स्टेट शुड हैव एम्पल एक्सेस टू सी सो दैट इट कैन रिसीव द नेसेसरी इम्पोर्ट. सी आइडल स्टेट जो है वो सी के नज़दीक रहना चाहिए. क्यों सी के नज़दीक चाहिए, क्योंकि आसानी से आप इम्पोर्ट कर सको, जो आपको चाहिए वो आप आसानी से मंगा सको. हाउएवर ही इंसिस्टेड दैट द स्टेट शुड नॉट बी सो क्लोज टू द सी दैट इट्स डिफेंस पोजेस अ प्रॉब्लम और इट हैज़ एक्सेसिव फॉरेन ट्रेड और इट्स सिटीजन्स टेक टू सी फेयरिंग.
अभी सी के पास होने का मतलब ये नहीं कि सी के इतने पास रहना चाहिए कि आपको डिफेंस प्रॉब्लम आ जाए, लाइक कोई भी फॉरेन ट्रेडर आके आपके इसमें ट्रेड करने लगे, इतना भी सी के पास नहीं रहना चाहिए। सी के पास चाहिए ताकि आप आसानी से इम्पोर्ट कर सको, बट इतना भी पास नहीं कि कोई भी आपको फॉरेनर आके आपको ट्रेड कर सके, या सिटीज़न हो सी फेयरिंग वगैरह, सिटीज़न को भी सी से खतरा हो जाए। द आइडल स्टेट शुड पोसेस अ टेम्परेट क्लाइमेट विच इज़ कॉग्निगल टू बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज। सी आइडल स्टेट में टेम्परेचर भी कैसा चाहिए, क्लाइमेट भी कैसा चाहिए, अच्छा क्लाइमेट चाहिए, लाइक टेम्परेचर शुड भी नॉर्मल, लाइक आराम से हर कोई रह सके। यू कैन डू ऑल योर वर्क प्रॉपरली, मेंटल एंड फिजिकल वर्क कैन बी डन प्रॉपरली इन योर आइडल स्टेट। द सिटीजन्स ऑफ आइडल स्टेट शुड कंबाइन द स्पिरिट एंड करेज विथ इंटेलेक्चुअल कीननेस। सी द सिटीजन ऑफ आइडल स्टेट क्या करना चाहिए, दे शुड कंबाइन द स्पिरिट एंड करेज विथ इंटेलेक्चुअल काइंडनेस। वो जो भी काम करें अच्छे से अपना काम करें। द आइडल स्टेट शुड कंसिस्ट ऑफ सिक्स क्लासेस। सी द आइडल स्टेट शुड हैव सिक्स क्लासेस, दैट इज द एग्रीकल्चर, आर्टिसंस, वॉर, लेशर क्लास, प्रिसेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर। सी एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसंस पता है वॉर के लिए तैयार रहे वो लोग, चल प्रीस्ट लोग हैं, मतलब जो चर्च में वगैरह रहते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज द प्रीस्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेशन क्लास क्यों चाहिए, दे कैन टेक केयर ऑफ योर डे टू डे एक्टिविटी। एरिस्टोटेलिस डज नॉट कंसिडर द मेम्बर्स ऑफ द फर्स्ट टू क्लास एज सिटीजन एंड देयरफॉर डज नॉट गिव देम एनी शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। सी एरिस्टोटेलिस क्या है, ही डज नॉट कंसिडर द मेम्बर ऑफ फर्स्ट टू क्लास, दैट इज एग्रीकल्चर एंड पीजन, एज अ सिटीजन। क्यों, क्योंकि वो अच्छे से रूल नहीं कर पाएंगे, उनको इतना नॉलेज नहीं रहता, दे आर नॉट गुड एडुकेटेड पीपल। सो एग्रीकल्चरिस्ट एंड आर्टिसंस इनको वो रूल्ड आउट करते हैं। द लास्ट फोर क्लासेस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द सिटीजन एंड एन्जॉय द एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव टू एक्सरसाइज ऑल पॉलिटिकल पावर। सी लास्ट फोर क्लास को वो सिटीजन मानते हैं ताकि वो हर काम अच्छे से कर सकते हैं, दे कैन टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल एंड एवरीथिंग। द फीचर्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिस आइडियल स्टेट हैव बीन ब्यूटिफुली समन बाय अ प्रोफेसर मेलिवन। सी जो आइडियल स्टेट है उसके बारे में जो एरिस्टोक्रेटिस ने उसने वो एक प्रोफेसर मेलिवन ने एक थोड़े इसमें शॉर्ट में बोल रहे वो, दस इट इज़ नाइदर टू रिच नॉर टू पुअर, सिक्योर फ्रॉम अटैक एंड डिवॉइड द डिज़ायर फॉर ग्रेट वेल्थ, वाइड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड और टेरिटरी, होमोजेनियस वर्चुअस एंड कल्चरल, अ डिफेंसिबल अनोमनस कम्युनिटी, सेल्फ सफिशियंट बट नॉट एग्रेसिव। सी एक आइडल स्टेट, वो जो इतना सब जो एरिस्टोक्रेटिस बोला ना ये प्रोफेसर ने क्या किया, ही समराइज एकदम शॉर्ट में किया। आइडल स्टेट कैसा रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिच नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुअर नहीं रहना चाहिए। हाँ अभी आप अच्छे से सेल्फ डिफेंस कर पाओ, लाइक आप आपकी रक्षा अच्छे से कर सको, ताकि आपके पास अच्छा सा यू कैन हैव अ गुड वेल्थ, राइट, ट्रेड वगैरह भी आप अच्छे से कर सको, सो दैट यू आर सेल्फ सफिशियंट। बट आप अच्छे से अपनी रक्षा कर सको, बट एकदम एग्रेसिव नहीं होना है। अ लिटिल इंडिपेंडेंट सिटी ओवर विच द सुप्रीम पावर विल रेस्ट इन अ ट्रू एरिस्टोक्रेसी हुज मेंबर रूल एंड ओबे ईच अदर इन टर्न इन मेंटेनिंग फॉर देमसेल्फ अ लाइफ ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मेरनेसी परस्यूट डेवलप टू द अचीवमेंट ऑफ द हाइएस्ट पॉसिबल मेजर ऑफ कल्चर एंड वर्च्यू ऑफ वेल बींग एंड ट्रू हैप्पीनेस अटेंडेबल बाई ईच एंड बाई ऑल, वाइल द वर्क नेसेसरी टू द स्टेट मेयरली मटेरियल एग्जिस्टेंस will be performed by those whose natural lack of virtual disqualify them to the higher life and for political function, but do not unfit them from manual toil under the direction of their moral intellection and therefore political superiority. See, city थोड़ा सा independent होना चाहिए ताकि हर कोई member अच्छे से एक दूसरे, everyone obeys the rule, everyone obey each other, and if this happens, everyone सब जो क्या रहती है, हर किसी को फ्रीडम मिलती है, हर कोई अपना काम अच्छे से कर सकता है, एवरी वन कैन हैव देयर ओन कल्चर,
सबको अपना अपना कल्चर फॉलो करो सो दैट एवरी वन कैन लिव हैप्पीली. और जो चाहिए वो अच्छे से कर सकते हैं अपन. दस द लोअर क्लास आर नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द पॉलिस बट पॉलिटिकली स्पीकिंग स्केयर पार्ट ऑफ इट इन एन ऑर्गेनिक वेदर दे आर लीगली फ्री और स्लेव. सी जो लोअर क्लास है वो क्या है, वो एक्चुअल में पूरी तरह से फ्री है या आज भी स्लेव बोल के जी रहे हैं आइडल सिटी में, नो वन नोज अबाउट इट. ओके सो दिस वेर द आइडियाज ऑफ द आइडल स्टेट ऑफ एरिस्टोटेली. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द व्यूज ऑन प्रॉपर्टी. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेल मी ऑन माई मेल आई डी. थैंक यू.